आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, और आप दोस्तों अगर आपने अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी अपनी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए अपनी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हो अपने बच्चे का किसी का भी। तो दोस्तों अगर आप ईमित्र से हो तो मैं आपको ईमित्र वाली फाइलें ईमित्र से किस तरीके से आप बना सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को देखते रहिए और किस तरीके से आप अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ईमित्र से बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना ईमित्र लॉगिन करना होगा। जैसे आप अपना ईमित्र लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से अपना एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे ये पेज ओपन होता है आपको यूटिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप यूटिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर एक नया सर्विस पोर्टल फ्री सर्विस के नाम से तरीके से आ जाता है, आप सबको पता है। और यहाँ पे आप डालोगे बर्थ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे बर्थ डालोगे तो यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू बी डायरेक्ट टू थर्ड पार्टी पोर्टल, इस पर ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर ओके कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसे दोस्तों ये पेज कुछ देर बाद में ओपन होता है तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हो ये सब पढ़ लेना है आपको। जैसे ये विकल्प ईमित्र कियोस्क द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए दिया गया है, आवेदन ईमित्र से ही भरा जाएगा। ये देखो जेपीजी फॉर्मेट में अपने को फोटो अपलोड करनी है और आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है अपने को। देख लो इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंट्स अपने को जैसे क्या क्या चाहिए, तो एक आईडी प्रूफ चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हो। अगर एक वर्ष से ज़्यादा हुआ है तो एफिडेविट लगेगा इसमें, और डिजिटल साइन से प्राप्त किया जाएगा आपको ये। और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको अगर जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो आपको यहाँ पे जन्म पत्र के लिए क्लिक टिक करना है। अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र पर टिक करना है। और यहाँ पे विवाह पंजीकरण के लिए दिया गया है और बच्चे का नाम जोड़ने के लिए दिया गया है। तो आपको सिंपली तौर पर अगर जन्म प्रमाण पत्र आप नया बनवाना चाहते हो तो यहाँ पे जन्म पत्र के लिए टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करते हो और प्रवेश करें यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको जैसा कि एक खुल गया है कि नए आवेदन हेतु या पुराने आवेदन में संशोधन हेतु, अगर आप पुराने आवेदन में संशोधन करते हो तो यहाँ पे टोकन नंबर रिफरेंस नंबर डालना पड़ेगा। और आवेदन स्थिति एवं सर्टिफिकेट प्रिंट के लिए आपको टोकन नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे अपना एक कैप्चा डालना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे पूरा इसको फॉर्म को पूरा भरना है, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है। जन्म तारीख तो यहाँ पे आपको पूरी जन्म तारीख डालना है, मेल है तो मेल डालना है। और यहाँ पे इसको पूरा फिलअप करना है, एक भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आधार कार्ड डालना है शिशु की माता का, यहाँ पे इसमें डालना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पे इधर इंग्लिश में लिखना है, गाँव में है तो गाँव में। और ये पूरा सेलेक्ट करके गैर संसाधन जो भी है इसको यहाँ पे फिर आता है यहाँ पे अपलोड आईडी प्रूफ। तो यहाँ पे आपको अपलोड आईडी प्रूफ कर देना है जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको। और दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर या गूगल पे, आप अपने मोबाइल पे भी जाकर पहचान के नाम से साइट है उसको सर्च कर सकते हो। जैसे आप पहचान डालोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऊपर आ रहा है पहचान राशन बर्थ एंड डेथ, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हो तो जैसा कि ईमित्र पे प्रोसेस है वैसा ही इसमें प्रोसेस है। इसमें बस ये है कि आपके सामने डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। और इसमें जैसा कि नीचे आपको मैं बता देता हूँ खुलने के बाद में कि यहाँ पे देख लो दोस्तों, अगर प्रत्येक नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम मुख्यालय पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है। जन्म मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिन बाद रजिस्ट्रार कार्यालय को देकर जन्म मृत्यु निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जन्म होने के बाद में आप 21 दिन के बाद में अपने रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अपना प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए परिवार के एक मुखिया नजदीक रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र एक भरना पड़ेगा और प्रपत्र दो में मृत्यु की सूचना भरकर देनी होगी। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार बच्चे के बिना भी करवाया जा सकता है। और यह बात करें पर ये तो हो गया शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में
ग्राम पंचायत कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित है, वहां जाके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बता दूं आपको कि जो इसको किस तरीके से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आमजन आवेदन प्रपत्र भरे, तो आपको इस पे क्लिक करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, पहचान के नाम से है, मैं दोबारा और बता देता हूँ, pacan.raj.nic.in। दोस्तों इस नाम से साइट है, तो आप इसको ओपन करके फॉर्म भर सकते हो। और जैसा कि मित्र में प्रोसेस है वैसा ही इसमें प्रोसेस है, तो आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र पे क्लिक करोगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है, नए आवेदन हेतु। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नए आवेदन के लिए यहाँ पे ये कैप्चा डालना पड़ेगा। जैसे आप ये कैप्चा डाल देते हो तो प्रवेश करे पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से वो जैसा उसमें फॉर्मेट था फॉर्म भरने का वैसा इसमें आ जाता है, तो आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको एनरोल करना है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पर अगर पहली बार नहीं आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।